आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। भाजपा सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर आज भाजपा जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में भाजपा सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों गिनाई गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश सचिव मंत्री श्री जयदीप पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम सोनी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष ओम खंडेलवाल, भाजपा वरिष्ठ भाजपा नेता अंतर पटेल, पूर्व सांसद सुभाष पटेल आदि उपस्थित थे। उन्होंने बताया 23 मार्च 2020 को कोरोना की विकट परिस्थितियों में श्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री ने पुनः बागडोर संभाली थी। पूरा प्रदेश कोरोना महामारी की जकड़ में था और दो दिन पहले तक प्रदेश में मौजूदा कमलनाथ सरकार की भीषण लापरवाही के चलते इस महामारी से बचने में समुचित उपाय नहीं किए गए थे। प्रदेश में मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी। हमारी सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी और टेस्टिंग की क्षमता 33,000 पर पार पहुंचा दी। इसी प्रकार कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर भी अफरा तफरी का वातावरण था, लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके सरप्लस किया गया। और आज हमारे पास 350,000 PPA किट, 3.74 हज़ार की अधिक टेस्टिंग किट उपलब्ध है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में पूरे जिले में प्रेस वार्ता रखी गई है और मैं प्रदेश पदाधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में पदाधिकारी को प्रेस वार्ता के लिए भेजा गया है। उसी के संबंध में मुझे बड़वानी दिया गया उस प्रेस वार्ता के लिए। क्या कहेंगे शिवराज सिंह जी के कार्यकाल? शिवराज सिंह जी का एक वर्ष का जो कार्यकाल है वो मैं कहूँगा कि कोरोना जैसे महामारी के चलते भी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना की महामारी को भी से भी लड़ते हुए क्षेत्र में विकास के काम हो, चाहे हॉस्पिटल के काम हो और कोरोना के संबंध में मरीजों को वैक्सीन के काम के दिए जा रहे हैं उसको भी प्रयास कर रहे हैं। और कुछ उपलब्धियाँ जो बताना चाहेंगे? और उपलब्धियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ष पूर्ण होने पर बहुत सारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं। इसी प्रकार जैसे कोरोना लैब, पहले प्रतिदिन प्रदेश में मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी जिनकी क्षमता 300 प्रतिदिन थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 32 कर दी और टेस्टिंग क्षमता 33,000 कर दी है। इसी के प्रकार पूरे देश में कोरोना महामारी को जकड़ में था, जो दो दिन पहले तक प्रदेश में मौजूदा कमलनाथ की सरकार भीषण लापरवाही के चलते इस महामारी से बचने में समुचित उपाय नहीं था। इसी प्रकार कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू को लेकर अफरा तफरी का वातावरण था, लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास किया करके उन्हें सप्लाई किया। कोरोना संकट काल में सरकार और संगठन ने जिस सक्रियता से संवेदनशीलता और समाज की सेवा का उपचार का अभियान हाथ में लिया है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना है। जिन बाला बच्चन जी का ये आरोप है, ये तो कांग्रेस की सरकार 15 महीने में मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता का भी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं पर भी उन्होंने हमारे प्रतिष्ठान किसी का अतिक्रमण हटाया तो कहीं होटल व्यवसाय द्वारा उन्होंने चिन्हित करके, लेकिन हमारी सरकार जो भी इस प्रकार से माफिया है उन पर कार्रवाई करने का, हमारी सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने रेत उत्खनन में सीधा मुख्यमंत्री का परिवार था उन्होंने लगाया, लेकिन उनके ही मंत्री विधायक उमंग सिंघार ने सीधे दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाए थे, शराब माफिया और रेत माफिया। गोविंद सिंह जी ने भी कहा था, जो सरकार के मंत्री है, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह रेत बिकवाते हैं, शराब बिकवाते हैं और सरकार पर आरोप लगाए थे कांग्रेस की सरकार ने। आज बड़वानी जिले के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सम्मानीय जयदीप पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय सुभाष पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम खंडेलवाल जी, जिले के महामंत्री अजय यादव जी, उपस्थित सभी हमारे मीडिया कर्मी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज एक वर्ष इस कार्यकाल में हमारे पास ढेर उपलब्धियां हमारे बड़वानी जिले के लिए भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं इस एक वर्ष के पूर्ण होने पर। 22 तारीख यानी कि आज शाम को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का रात को 8 बजे मध्य प्रदेश के नाम आज संदेश होगा। 23 मार्च को राहत राशि के रूप में 1550 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी।
उसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण आयोग के माध्यम से 350 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी भी डालेंगे। साथ में पथ विक्रेताओं के लिए भी हम 60 करोड़ रुपए की राशि डाल रहे हैं। 23 तारीख को हमारा प्रत्येक मंडल में जो विकास कार्य हमारे स्वीकृत हो गए हैं, जिनके हमको भूमि पूजन करना है, जिनके हमको लोकार्पण करना है, ऐसा हमारा कार्यक्रम पूरे मंडलों में चलेगा। बड़वानी जिले के 24 मंडल है, 24 ही मंडलों में विकास के श्रीफल फोड़ने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 24 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के जो हितग्राही हैं, उनका भी हम साल श्रीफल से सम्मान करने वाले हैं। 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में जो टीकाकरण चलाया जा रहा है वैक्सीन का, मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त हो उसका अभियान हम चलाएंगे। हम सभी कार्यकर्ता हमारी सेल्फी लेकर उस कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाले हैं। 27 तारीख को 550 चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हम टेली मेडिसिन जो सुविधा उपलब्ध मध्य प्रदेश सरकार ने कराई है उस कार्यक्रम में रहेंगे। सारे कार्यक्रम दोपहर को 2 बजे होंगे। 31 मार्च को नर्मदा विकास प्राधिकरण के द्वारा 1278 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। 270 करोड़ रुपए की राशि का लोकार्पण का कार्यक्रम भी होगा।